हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की क्लास 7 की इंग्लिश की फर्स्ट स्टोरी जो कि है रेंट फॉर वाटर, उसको समझेंगे, उसको जानेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग द स्टोरी, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लेट्स स्टडी एंड डू लाइक द वीडियो। लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम अ मैन सोल्ड हिज वेल टू अ फार्मर। The farmer bought the well to water his fields. Means, एक बार की बात है, एक आदमी ने एक किसान को अपना कुआं बेच दिया। किसान ने ये कुआं अपने खेतों को पानी देने के लिए खरीदा था। The next day, the farmer went to draw water from that well. But the man didn't allow the farmer to draw water from that well. He said, I have sold you the well, not the water, so you cannot draw water from it. अगले दिन किसान उस कुएं से पानी निकालने गया, परंतु उस आदमी ने किसान को पानी निकालने ही नहीं दिया। उसने उससे कहा, मैंने तुम्हें कुआं बेचा है, पानी नहीं, इसलिए तुम पानी नहीं निकाल सकते। After this, they started arguing. When they could not solve the problem, they decided to take the issue to the king. They reached the court of King Krishnadev Rai. इसके बाद उन्होंने बहस करनी शुरू कर दी। जब वे इस उलझन को सुलझा ना पाए, तो उन्होंने ये निर्णय किया कि ये मामला राजा तक पहुंचाया जाए। वे राजा कृष्णदेव राय के दरबार में पहुंचे। दरबार में पहुंचने के बाद उन्होंने क्या देखा? किंग कृष्णदेव राय वॉज सिटिंग इन हिज कोर्ट रूम। ही वॉज लिसनिंग टू द कंप्लेंट्स ऑफ द पीपल ऑफ हिज किंगडम। राजा कृष्णदेव राय अपने दरबार में बैठे हुए थे। वे राज्य के लोगों की शिकायतें सुन रहे थे। द मैन एंड द फार्मर केम इनसाइड द कोर्ट रूम ऑफ द किंग। दे ग्रीटेड द किंग बाय ज्वाइनिंग देयर hands and bowing in front of him. आदमी और किसान दोनों राजा के दरबार के अंदर चले गए। उन्होंने झुककर दोनों हाथों को जोड़कर राजा को सलाम किया। The farmer looked very sad. The king asked him, "Why are you looking sad? What is your problem?" किसान बहुत उदास दिखाई दे रहा था। राजा ने उससे पूछा, तुम उदास क्यों हो? तुम्हारी क्या समस्या है? तभी क्या होता है? The farmer said, Your Majesty, I bought the well from my neighbor and paid him the money he had asked for. Now he is asking me to pay the money for water too. किसान ने कहा, हे राजन, मैंने अपने पड़ोसी से कुआं खरीदा था और उसे मुंह मांगे पैसे दिए। अभी वो मुझसे पानी के पैसे भी मांग रहा है। After listening this, when the king asked the neighbor about this, he pleaded, Your Majesty, I sold him the well but not the water inside it. इसके बाद जब राजा ने पड़ोसी से इसके बारे में पूछा, उसने आगे से निवेदन कर दिया। वो बोला, हे राजन, मैंने उसे कुआं बेचा था, परंतु इसके अंदर का पानी नहीं। The king found the problem very interesting and asked Tenali Raman, the wisest minister of his court, to solve it. Raja ko ye samasya bahut hi dilchasp lagi. Usne apne sabse buddhiman mantri Tenali Raman ko is samasya ko suljhane ke liye kaha. Tenali Raman said to the neighbor, You sold your well to the farmer but not the water. तेनाली रमन ने पड़ोसी से कहा, तुमने किसान को कुआं बेचा पर पानी नहीं। Yes, said the man. पड़ोसी आदमी ने कहा, जी हाँ श्रीमान जी। तेनाली रमन looked at the farmer and said, So the well belongs to you and the water to your neighbor. तेनाली रमन ने किसान की ओर देखते हुए कहा, तो ये कुआं तुम्हारा है और पानी तुम्हारे पड़ोसी का। So, is he giving you the rent for water in your well?
आज तेनालीरमन। तेनालीरमन ने किसान से पूछा, तो ये क्या तुम्हारे कुएं में पानी रखने का किराया दे रहा है? No, sir, said the farmer smilingly. फार्मर यानी कि किसान ने स्माइल करते हुए कहा, जी नहीं श्रीमान जी। तेनालीरमन said to the man, You must pay 2 gold coins as rent to the farmer for keeping your water in the farmer's well, or you take out your water from the well at once, and the farmer will pay you 1 gold coin every month for drawing the water from the well for his fields. तेनालीरमन ने आदमी से कहा, तुम किसान को पानी उसके कुएं में रखने के लिए 2 सोने के सिक्के दोगे, या फिर अपना पानी कुएं से निकाल लो और फिर किसान तुम्हें खेतों में पानी डालने के लिए महीने का 1 सोने का सिक्का देगा। This is how Tenaliraman solved the problem. He proved that greed is bad and punished the neighbor for his dishonesty. इस तरह से तेनालीरमन ने समस्या को सुलझाया। उसने सिद्ध कर दिया कि लालच बुरी बला है और पड़ोसी को उसकी बेईमानी की सजा भी दी। सो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द लास्ट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।